बल्ली है दसू चलता है थोड़ा सा अर्ली है दर्शन पाल जी सारे का प्रेस नहीं चली जाना गाड़ी अर्ली है बिफोर टाइम है गाड़ी देख लो कोई बात आपकी बात रह गई करनी थी आपने वैसे भी कि मैं आपको टोका नहीं मतलब बाद में रिस्पॉन्स मैंने बोला नहीं आज मुझसे विषय पहले उस विषय पहले बोला नहीं आज हाँ बात कर जी आज प्रेस थोड़ी नहीं कर देते जी आज 17 जनवरी है आज हमारी संयुक्त किसान मोर्चा की काफी डिटेल्ड बैठक हुई है तो बैठक के क्या फैसले हैं और कुछ समस्याएं जो कल भी मैं पीसी शुरू होने से पहले मैं इंट्रोड्यूस कर दूं युद्धवीर जी है यूपी से जनरल सेक्रेटरी बीकेयू टिकैत जी विर्क साहब जो उत्तराखंड से हैं त्राई किसान यूनियन के योगेंद्र यादव जी जय किसान आंदोलन के शिव कुमार शर्मा कक्का जी ये हैं अपने महासंघ किसान महासंघ के धनंदा जो ऑल इंडिया किसान सभा के जनरल सेक्रेटरी हैं रणवीर सिंह राजू जो राजस्थान से हैं जीकेएस और जगदीश सिंह डल्लेवाल जी जो पंजाब से हैं किसान यूनियन सिद्धूपुर के प्रेसिडेंट हैं दर्शन पाल जी पंजाब से प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपके सामने रख लूँ बाकी चीजें रखेंगे पंजाब में और दूसरी जगह पर भी एनआईए ने कुछ केसेस बनाने शुरू किए हैं जो लोग आंदोलन में हैं या आंदोलन की सपोर्ट कर रहे हैं आज संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से कल हमारे पंजाब की बैठक थी उससे भी हमने इसकी निंदा की थी किसी ने बस भेजी है यहाँ उसको भी किसी ने लंगर लगाया उसको भी किसी ने शहीद के परिवारों को कुछ मदद की है उसको भी इस तरह से तरह तरह के लोगों के ऊपर एनआईए जो है वो नोटिस ही नहीं भेज रही उन पर केस देशद्रोह राजद्रोह वगैरह के उनके ऊपर केस बना रहे हैं सो हम आज सबसे पहले ये संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से हमने ये जो बैठक हुआ केंद्र सरकार के साथ हमारा उस बैठक शुरू करने से पहले उनको नोट करवाया हमने कि ये क्या हो रहा है उन्होंने बोला हरियाणा सरकार ने कोई किया है उत्तराखंड ने किया हमें नहीं पता तब हमारे साथियों ने बोला कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एनआईए केसेस और ये आपकी एजेंसी है सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है आपको इसका नोटिस लेना चाहिए तब तोमर जी ने वादा किया था कि ठीक है इस मीटिंग के बाद हम इसके ऊपर नोटिस लेके इसका जानकारी लेके आपको बताएंगे नेक्स्ट बैठक में क्या बोलते हैं ये देखेंगे लेकिन इसका हम पूरे किसान संगठनों की तरफ से निंदा करते हैं और ये कहते हैं कि इसको हम कोर्ट में ही नहीं लीगली भी इसके खिलाफ लड़ेंगे और साथ साथ इसके खिलाफ समस्त साथियों को अभिवादन वंदन स्वागत है बंधु हमारी बैठक की चर्चा सुबह 10 बजे से चालू हो गई थी 10 बजे 7 मेंबरी कमेटी की बैठक हुई उसके तत्काल बाद सभी संगठनों के साथ बैठक हुई जो सरकार का रवैया वर्तमान में दिखाई दे रहा है दमन करने का एनआईए का काम क्या है वो क्या कर रहे हैं निर्दोष लोगों को बंद कर रहे हैं जो इस आंदोलन में थोड़ा भी सहयोग करने वाले लोग हैं चाहे वो अड़ेती हो चाहे वो बड़े काश्तकार हो चाहे वो ट्रेडर हो उनको परेशान करने का काम कर रहे हैं जो यहां से ट्रांसपोर्ट में पंजाब के हरियाणा के लोगों को सहायता करते हैं उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो रहे हैं
तो जो अत्याचार है ये सरकार ने प्रारंभ कर दिया है और हमसे वार्ता भी कर रहे हैं, उनके ध्यान में भी हमें बातें लाते। आज बैठक का जो मुख्य मुद्दा था हमारा वो था 26 जनवरी गणतंत्र दिवस में किसानों की सहभागिता। इस देश का अन्नदाता भी ये चाहता है कि जब जवान इस देश के गणतंत्र दिवस की परेड कर रहे होंगे तो हम भी किसान हैं और हमारे ही बेटे वो फौज में हैं तो हमारी भी सहभागिता हो, कैसे हो, कहां से हो और उसका स्वरूप क्या हो, सावधानियां क्या हमको रखना है। असामाजिक तत्व इस फिराक में है कि वो हमारी इस परेड में व्यवधान पैदा करें, तो तमाम सावधानियों पर, तैयारियों पर हमारी चर्चा हुई। सुप्रीम कोर्ट कल कुछ संज्ञान जो भी लेगा, उम्मीद है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हमारे सामने आएगा हम तत्काल कुछ लोग बैठकर चर्चा कर उस समय निर्णय करेंगे। तो हमारा अभी हिस्सा ज्यादातर वो चला गया है। अभी तक 121 किसान हमारे इस आंदोलन में शहादत दे चुके हैं, उनको हम सभी साथियों के साथ बार बार श्रद्धांजलि देते हैं। हरियाणा में एक यात्रा चालू हुई है, अभी गांव गांव में वो जा रही है यात्रा, राष्ट्रीय किसान महासंघ के बैनर पर। हर घर से एक चम्मच घी और उस गांव की मिट्टी को लेकर ये जो धरना स्थल है, इन धरना स्थलों पर अखंड ज्योति उन शहीदों की याद में जलाई जाएगी जब तक ये आंदोलन यहां चलेगा। और जो मिट्टी गांव गांव से लेके आ रहे हैं उससे उस धरना के पास में हमारे जो साथी हैं जो धरने के अलग अलग मुखिया हैं वो वहां पर वृक्षारोपण करेंगे उन शहीदों की याद में। बाकी मैं अपने साथियों को देता हूं, वो आपसे चर्चा करेंगे। साथियों आपको ध्यान होगा चार दिन पहले हमने 26 जनवरी रिपब्लिक डे प्रोग्राम के बारे में आपको कुछ बताया था। आप में से साथियों ने पूछा था कि जी एग्जैक्टली क्या होगा। हमने कहा था 17 तारीख को मीटिंग है, 17 तारीख को मीटिंग में हम फैसला लेंगे और आपको उसके बारे में बताएंगे। तो उसी के हिसाब से आज हमने जो तय किया है उसके 5 सूत्र मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। यही बात हम एक लिख के अंग्रेजी में भी रिलीज कर देंगे। पहला, पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार 26 जनवरी को किसान गणतंत्र परेड का आयोजन दिल्ली के भीतर किया जाएगा। 2 तारीख को हम घोषित कर चुके थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये परेड होगी, दिल्ली के अंदर होगी। जवान के साथ किसान भी गणतंत्र दिवस पर गण की संप्रभुता का उत्सव मनाएगा। गणतंत्र दिवस क्या है? गण ऊंचा है, बाकी सब छोटा है, जनता ऊंची है, सर्वोच्च है, उसे हमारा जवान मनाता है यूनिफॉर्म पहन के। लेकिन ये जो जवान है ये तो यूनिफॉर्म में किसान है, तो किसान भी मनाएगा अपने गण की संप्रभुता का उत्सव। पॉइंट नंबर 1-2, यह परेड आउटर रिंग रोड की परिक्रमा कर आयोजित की जाएगी। ये जो आउटर रिंग रोड दिल्ली की है, पीरागढ़ी से जनकपुरी, धौला कुआं, मुनीर का IIT, खेलगांव, चिराग दिल्ली, नेहरू प्लेस, ओखला, मजदू का टीला, बुराड़ी, आजादपुर, रोहिणी, ये वाली जो बाहर वाली रोड है 50 किलोमीटर के करीब है, इसकी परिक्रमा करके आयोजित की जाएगी। हम आशा करते हैं कि दिल्ली और हरियाणा का पुलिस प्रशासन इस आयोजन में कोई बाधा नहीं पहुंचाएगा। हम आप सबके माध्यम से सूचना दे रहे हैं, हमारा यह फैसला है, हम देश को और जनता को, अपने साथियों को, सबको खबर दे रहे हैं। तीसरा, यह परेड पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहेगी। किसी भी किस्म के हथियार, हिंसक कार्रवाई और भड़काऊ भाषा पर बिल्कुल मनाही रहेगी। यह हमने पिछली बार भी कहा था, शांति इस आंदोलन का सबसे बड़ा हथियार है। आज उस शांति की बदौलत पंजाब के किसानों ने हासिल किया और पिछले 2 महीने से
शांतिपूर्ण आंदोलन से ही हमने हासिल किया, इसको किसी भी कीमत पे हम छोड़ेंगे नहीं। चौथा, गणतंत्र दिवस परेड में कोई विघ्न नहीं डाला जाएगा। ये जो औपचारिक राजपथ पे गणतंत्र दिवस की परेड होती है उसमें किसी किस्म का कोई विघ्न, कोई उसमें डिसरप्शन, कोई उसके अंदर गड़बड़ी बिल्कुल नहीं डाली जाएगी। किसी राष्ट्रीय स्मारक या प्रतीक पर हमला कब्जा करने की कोई कोशिश नहीं होगी। ये सब इसलिए कहना पड़ रहा है, वो कभी लाल किले की बात हो जाती है, कभी राजपथ की बात हो जाती है, कभी पार्लियामेंट बिल्डिंग की बात हो जाती है। हम बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहते हैं, ऐसे किसी, ये सब हमारे सम्मान के प्रतीक हैं, इस पे कब्जा, हमला, धावा कोई ऐसी हमारी नियत नहीं है। हर वाहन पर, चाहे ट्रैक्टर हो, कोई भी और व्हीकल होगा, हर वाहन पर राष्ट्रीय ध्वज और साथ में किसी भी किसान संगठन का झंडा होगा। जैसा मैंने पिछली बार भी शायद कहा था, इस तिरंगे की आन बान शान को हम एक इंच भी कम नहीं होने देंगे, इसको ऊंचाई उठाएंगे। किसी भी पार्टी के झंडे की मनाही होगी, कोई पॉलिटिकल पार्टी का झंडा नहीं। इस सब के बारे में हमने हमेशा सावधानी बरती है, वो इस मूवमेंट के दौरान भी यही होगा। पांचवा पॉइंट है, देश के जिन इलाकों से लोग दिल्ली नहीं पहुंच सकते, ये तो मैंने दिल्ली के बारे में बताया, दिल्ली के बाहर, देश के जिन इलाकों से लोग दिल्ली नहीं पहुंच सकते, वहां राज्य की राजधानी या जिला स्तर पर किसान गणतंत्र परेड उपरोक्त मर्यादा के अनुसार आयोजित की जाएगी। तो जो दिल्ली के नजदीक के इलाके हैं वो तो सब दिल्ली आएंगे, जो बहुत दूर के लोग हैं जो दिल्ली नहीं आ सकते, वो भी ऐसी ही किसान गणतंत्र परेड आयोजित करेंगे और वो भी इन्हीं सब बातों का पालन करेंगे जिसको हमने यहां पे लिखा है। तो ये मैं रखना चाहता था। हम जानते हैं कि कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक केस आ रहा है, बड़ा अजीब मामला है। आमतौर पे पुलिस प्रशासन कहती है कि आप आंदोलन नहीं करते, कर सकते, और आंदोलनकारी कोर्ट में जाते हैं कि जी हमारे को परमिशन दी जाए। यहां पुलिस कोर्ट में जा रही है कि आप मुझे कहो कि मैं इन्हें रोकूं। तो बड़ा अजीब केस है जो कि कोर्ट में आ रहा है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अपनी गरिमा के हिसाब से इसके अंदर डील करेगा। और यही बातें हमने एक फैक्ट के रूप में आपके सामने पहले से रख दी है, देश के सामने। साथियों, आज के प्रेस वार्ता के जो मुख्य विषय हैं आज आपके सामने रखे गए हैं, और इस कार्यक्रम को कैसे हम आगे बढ़ाएंगे ये हमारा संक्षिप्त में रखाया गया है। हम थोड़ा तैयारी जो चल रहा है उसी में थोड़ा आपको बता दूं, पूरा देश में लाखों किसान इस दिवस को मनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। किसान तो जनसंख्या में सबसे ज्यादा देशोप्रेमिक होता है, उससे बड़ा देशोप्रेमिक कौन होता है। और देशोप्रेम के सवाल में किसान जो आगे रहते हैं, इसलिए गणतंत्र दिवस में बहुत ही मर्यादा के साथ जैसा उसको पालन करते हैं करेंगे। साथ साथ किसान पैरेड, इसको आप नाम दिया था, कोई कोई गलत तरीका से इसको प्रेजेंट किया गया है, हम आज साफ कर दिया कि किसान पैरेड जैसे नेशनल पैरेड होता है राष्ट्रीय गर्व के विषय, ये किसान पैरेड का मकसद यही है कि हम पूरे देश के किसान के सामने उस दिन बताएंगे कि हम किसान अन्नदाता है, हमारा दुख दर्द देखो। 4 लाख किसान खुदकुशी किया, 52 किसान रोज खुदकुशी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ये जिसके अन्न से आप जिंदा रहते हैं, इसका उत्पादित उसके दुख दर्द के साथी होने के लिए हम जनता को, एक जनतंत्र दिवस है, जनता का दिवस है, हम किसान उसके अपील करेंगे, आप, आपका अन्नदाता आज खतरे में है, उसका अस्तित्व खतरे में है, उसका जिंदगी खतरे में है, आज उसके सामने बहुत बड़ा चैलेंज है। आज इस परिस्थिति में हमारा कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, कोई हमारा मानवीय दृष्टिकोण से किसान का दुख दर्द कोई सुनने के लिए तैयार नहीं दिखाई दे रहा है। इस परिस्थिति में हम ये पैरेड करके
देश को जनता को बताना चाहते हैं कि आप हमारा जो तकलीफें हैं अन्नदाताओं को, आप इसको समर्थन करें और इसको आए जैसा बोले, हम जब परेड करेंगे रिंग रोड में, हम अपील करेंगे जैसा दूसरे पैरेड में जनता हिस्सा लेते हैं, हम अपील करेंगे जनता भी रास्ता में आ जाए हजारों संख्या में और देखें कि किसान का पैरेड कैसे होता है, कैसे इसको अपना बात देशवासी को रखना चाहते हैं। वो हम टैबलो भी बनाएंगे, सारे जो हमारा ट्रैक्टर होगा वो टैबलो होगा, किसान का सारे समस्याएं, उसका आंदोलन का स्लोगन, देश का एकता अखंडता का विषय, भाईचारा का विषय, आनंद का विषय, ये सब जो बात के साथ एक एक टैबलो होगा। हम राज्यों का भी टैबलो बनाने का बताया है, हर राज्यों भी 29 राज्यों का भी टैबलो एक रहेगा कि ये पूरा देश का पैरेड है, पूरा देश का किसानों का पैरेड है और ये शांतिपूर्ण रूप से पैरेड होगा देशवासियों के पास अपना पैगाम पहुंचाने के लिए और हमारा जो निवेदन है जनता के पास ये रखने के लिए ये पैरेड होगा। इसलिए इसके बारे में जो गलत फहमिया प्रचार हुआ है हम इसको खंडन किया करते रहेंगे और शांतिपूर्ण ढंग से एक ऐतिहासिक एक दुनिया देखेगा, भारत में सिर्फ नहीं दुनिया देखेगा कि जनता का आजादी के पक्ष में पैरेड कैसा होता है और किस उद्देश्य से होता है, इसको ही हम प्रकट करने के लिए ये ऐलान किया है, यही हमारा एक फैसला है। मैं रणजीत सिंह राजू, ग्रामीण किसान मजदूर समिति GKS, श्री गंगानगर राजस्थान से। 26 जनवरी को किसान परेड तय है और किसान परेड दिल्ली के अंदर करेगा ये भी तय है, क्योंकि हमारा मौलिक अधिकार है, हम अपनी राजधानी में जाकर परेड कर सकते हैं, संविधान में कहीं रोका गया। हाँ, रहेगी पीसफुल, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। तरह तरह की भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, आंदोलन में अराजक तत्व है, टेररिस्ट है, कुछ है, तो हम सरकार से अनुरोध करते हैं जो NIA और सरकारी एजेंसियां लोगों को तंग करने में लगाई हैं आपने, तो आपकी एजेंसियां क्या कर रही हैं? जो भी यहाँ खालिस्तानी टेररिस्ट मिल रहा है आप उसको पकड़ के लेके जाइए, क्या कर रही हैं वो? और जो आपने आंदोलनकारियों को जहाँ जो आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, किसी भी तरीके से उनको तंग करने का प्रयास कर रहे हो, ये आपके जो ऊपर चले हैं सफल नहीं होंगी। बाज आ जाइए, लोकतंत्र है, लोगों की चलेगी, ये जन की बात चलेगी, आपके मन की बात देश ने बहुत सुन ली, अब आपके मन की बात नहीं चलेगी, जन की बात चलेगी। दूसरी बात, कल 18 जनवरी को महिला किसान दिवस के रूप में डे मनाया जाना है, तो राजस्थान में, मैं राजस्थान से आता हूँ, राजस्थान में हमने तय किया है, यह हमारी जथेबंदी है, बाकी भी मैसेज देना चाहता हूँ कि हमारी गाँव की औरतें गांव में रहकर गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद, धर्मस्थान पे इकट्ठे होके वहाँ मोदी की सद्बुद्धि के लिए भजन कीर्तन पाठ करेंगी और बाद में अरदास बेनती करेंगी, जो हमारे किसान आंदोलन में शहीद हुए हैं उनके नाम के, ताकि उनके घर में सुख शांति के लिए, और उसके बाद एक मार्च करेंगी गांव के बीच में, और जो शहर की औरतें हैं वो प्रत्येक शहर में अपने मोहल्ले में कहीं भी इकट्ठा होकर ये कार्यक्रम करेंगे, ये हमने तय किया है। जगह जगह ट्रैक्टर रैलियां निकल रही है समर्थन में, और ट्रैक्टर रैलियों को निकलने का कारण है कि वहां पर लोगों को प्रेरित कर दिल्ली लाया जाए, लोग स्वयंता आने को तैयार है। संयुक्त किसान मोर्चा जो आपका मोर्चा है इतना मजबूत बन चुका है कि किसी राजनीतिक पार्टी ने बनाया होता या MLA MP का नेतृत्व कर रहे होते आज तक बिक गए होते, इतिहास गवाह है, बहुत मिसाले है। लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा के जो हमारे नेतागण लीड कर रहे हैं, सरकार ने हर संभव प्रयास किया, ये टूटे नहीं, न टूटेंगे न झुकेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। कल 18 तारीख को भी मानगढ़ जिले के पीली बंगा मंडी में एक विशाल ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया जा रहा है, तो मैं आपके माध्यम से राजस्थान वासियों को विनती करता हूँ कि आप कल पीली बंगा की मंडी में जाकर ट्रैक्टर रैली का समर्थन कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा लोग, एक ट्रैक्टर तो पीछे एक ही ट्राली, अब दो ट्राली डालने की जरूरत नहीं है, हमारे पास सामान बहुत है, सारी व्यवस्था है, एक ट्रैक्टर के पीछे एक ही ट्राली डालकर आप रवाना होइए। दारूहेड़ा जो मैसानी बराज पे अपना मोर्चा लगा हुआ है,
अपने गंगानगर हनुमानगढ़ के सभी साथी वही हैं, तो आप वहां पहुंच गए, आंदोलन को बल दीजिए। 26 की कॉल नहीं ठीक है, 26 से पहले पहले 22, 23, 24 तक आप दारूबेड़ा, मसाणी बराज, सुखदेव ढाबा के सामने दिल्ली जयपुर हाईवे पर पहुंच गए। धन्यवाद। पत्रकार मित्रों, आज की बैठक में मुझे पता है जो थोड़े समय के बाद आप भी ये बात कहने वाले हो कि आज एक जो पूर्व मंत्री, एमएलए, एमपी साहबान, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों के उनकी जो बैठक हुई है उनमें हमारे एक संगठन के यहाँ के कुछ साथी भी उसमें शामिल हुए हैं, लेकिन उसके बारे में ये हम ये कहना चाहते हैं, स्पष्ट करेंगे कि संयुक्त किसान मोर्चे का उस कार्यक्रम से कोई लेना देना नहीं, कोई नाता नहीं, कोई मतलब नहीं है, और ये बात स्पष्ट करना चाहते थे हम, ताकि बुलेकर न रह जाए प्रेस को कि वो कहाँ से आ गया, क्या है, कैसा है। और मैं दूसरी बात आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जो 26 तारीख का कार्यक्रम लिखा गया है, उस पूरे के पूरे कार्यक्रम को हम कैसे कंट्रोल करना है, वो बड़ी संख्या में हमने प्रयास कर रखा है कि हमारे वॉलंटियर्स होंगे, वो सभी इसको देखेंगे, और उन्हीं के साथ साथ जो आपका माध्यम है और हमारा किसान एकता मोर्चा जो सेल चल रहा है, एपी सेल चल रहा है, उसके माध्यम से हम समय समय पर जैसी जैसी भी दिशा निर्देश होंगे वो देते रहेंगे। सभी जितने भी किसान आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुन रहे हैं वो सभी इस बात पे ध्यान दें कि सभी को उस दिन हर एक ट्रैक्टर वाले ड्राइवर को, वहां के साथी को उस बात के साथ ध्यान से जुड़कर रहना पड़ेगा, ताकि सभी को समय समय पर जैसे भी यहां से कोई दिशा निर्देश जाएगा नेताओं की ओर से वो तुरंत समय पर मतलब फॉलो कर पाए। ये इतना ही मेरा कहना है, वो आगे की बात हमारे साथी दूसरे वो कहेंगे। नमस्कार पत्र साथियों, पत्रकार साथियों, मैं तेजिंदर सिंह विर्क, अध्यक्ष त्राई किसान संगठन उत्तराखंड। आज साथियों संयुक्त मोर्चे में देश भर के किसान नेताओं ने 26 तारीख के कार्यक्रम पर व्यापक चर्चा की, और उस चर्चा में तमाम जिम्मेदारियां कि कैसे कार्यक्रम होगा, क्या रूपरेखा होगी, इस पर चर्चा हुई। लेकिन उत्तराखंड से मैं आता हूं, अभी तक उत्तराखंड से 20,000 ट्रैक्टरों ने अपना जो रजिस्ट्रेशन है तराई के क्षेत्र से दिल्ली में आने के लिए हो चुका है, और 26 तारीख का कार्यक्रम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं। जो हमारे कार्यक्रम पहले चल रहे हैं, जैसे 18 तारीख को महिला दिवस है, 23 तारीख को सुभाष चंद्र जयंती पर राजभवनों पर प्रदर्शन होंगे, उसी क्रम में 26 तारीख का कार्यक्रम है, और आगे के कार्यक्रम भी 2-3 दिन के बाद आगे का हमारा क्या कार्य एक्शन प्लान होगा वो भी जारी होगा। तो ये कार्यक्रम पूरी तरह से शांतिपूर्वक होगा, तिरंगे के साथ होगा, और देश की राजधानी के अंदर, देश का किसान राजधानी में नहीं, पूरे देश के विभिन्न राज्यों के अंदर ये कार्यक्रम होंगे, और विभिन्न राज्यों के लोग अपने अपने राज्य की झांकियां जैसे गणतंत्र परेड में आती हैं, वैसे ही हर राज्य भी अपनी झांकियां भी लेकर उस रूप में भी इस परेड में शामिल होगा, और इस देश की एकता और अखंडता को प्रदर्शित करेगा, और यह बताएगा कि इस देश का किसान का बेटा जवान फौज के अंदर झांकी के रूप में परेड करेगा, और इस देश के किसान का बेटा जो घर में खेती कर रहा है वह इस दिल्ली की राजधानी में रहकर वह भी झांकी के रूप में और एकता के रूप में, जहां देश का जवान बॉर्डर पर सुरक्षा कर रहा है वहां देश की आंतरिक सुरक्षा में इस देश के किसान का बेटा और किसान का भी बहुत बड़ा अहम रोल है। ये हम 26 जनवरी के इस कार्यक्रम से एक संदेश भी इस देश का किसान देने का काम करेगा, ये हमारा कार्यक्रम है। आगे की जो भी रणनीति है हमारे भाई युधवीर जी आगे आपको बताएंगे। साथियों,
जैसा आपको पता 19 तारीख को बैठक है सरकार के साथ, लेकिन माननीय कृषि मंत्री ने आज एक बयान जारी किया। वो बयान ये दर्शाता, उन्होंने स्पष्ट इसमें कहा है कि देश के अधिकांश किसान, विद्वान और कृषि क्षेत्र में काम करने वाले हमसे सहमत हैं और देश को देख के कानून बनाया जा सकता, ये उनकी मंशा को बताता। 19 तारीख की बैठक है और बैठक में हमारे किसान नेता साफ कह के आ गए थे कि 19 तारीख को तीनों कानून वापस लेना और MSP को कानूनी स्वरूप देने के लिए हम आपसे बात करने आएंगे। 17 तारीख को ये बयान देना, दोबारा से ये जताना कि हम बात करने वाले नहीं है और देश हमारे साथ है, एक किस्म से वो जान पूछ के उन्होंने आज की डेट में ये बयान दिया। और वो शायद ये सोच रहे होंगे कि इनके बयान को पढ़ के किसान इसका बायकॉट करेंगे, हम 19 तारीख को जवाब लेने जरूर जाएंगे, क्योंकि देश के सामने उनका एक्सपोजर होना चाहिए। वो चाहते हैं ये बताना इसके माध्यम से हम ना गुस्सा होकर ना जाएं और उनको कहने का मौका मिले कि किसान बातचीत के लिए तैयार नहीं, बयान कुछ देते हैं कहते कुछ और हैं। तो उनके बयान की मैं निंदा करता हूं और मैं आशा करता हूं कि वो थोड़ा सा इसको समझ लेंगे कि किसान इतना अनभिज्ञ नहीं है, वो क्या कह रहे हैं और किस तरह के एक्शन उनके हैं, इनसे हम परिचित हैं और हम जानते हैं उनका। हमारे नेताजी गढ़ेवाल जी ने, राजेवाल जी ने कहा भी था उनको कि आपकी बॉडी लैंग्वेज से लगता है कि आप गंभीर हैं नहीं, निश्चित तौर पे वो गंभीर नहीं है और 19 तारीख की गंभीरता तो उन्होंने आज इस बयान में जाहिर हुई है। दूसरा विषय मेरे साथियों ने बताया, 26 जनवरी की परेड के बारे में मेरे साथियों ने विस्तार से बता दिया, मैं एक बात बता दूं आप, तो कल सुप्रीम कोर्ट में डेट और दिल्ली पुलिस सुप्रीम कोर्ट में गई है इस हमारे प्रस्तावित जो सेलिब्रेशन है 26 जनवरी का उस पर रोक लगाने के लिए। हम कोई प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, तिरंगा लेके सेलिब्रेशन करने दिल्ली में जाएंगे, ये हमारा निर्णय, हमने फैसला ले लिया। और मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं, जब किसान फैसला ले लेता तो भगवान के सामने भी अड़ जाता, सुप्रीम कोर्ट तो क्या करेगा उसमें। सुप्रीम कोर्ट, वैसे तो हम अपील करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट उसे रिजेक्ट करे उसे, लेकिन अगर 1% कहीं रोक भी लगी तो किसान जो है वो अपनी परेड करेगा, परिणाम जो हो वो सरकार जाने और वो प्रशासन जाने। आज भी हम इस माध्यम से आपसे अपील करते हैं, अगर प्रशासन ये चाहता है कि कोई व्यवस्था बनी रहे और हमसे कॉपरेट करना चाहता है तो हमारा जो नेतृत्व है हम हमेशा उनके साथ बैठ के इस पर बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन अगर वो बाजी दें हमको दिल्ली में नहीं घुसने देंगे तो फिर बड़ा मुश्किल होगा। दिल्ली में तो हम जाएंगे, सेलिब्रेशन तो हमारा दिल्ली में ही होगा। धन्यवाद। 20 तारीख परिघोषणा। जैसे राजीव जी ने राजस्थान का प्रोग्राम बताया, ऐसे ही यहाँ भी पूरे देश का कॉल है जी, कल महिला किसान दिवस पूरे देश में मनाया जा रहा है और यहाँ भी बॉर्डर्स के ऊपर हमारे साथ कुछ बुद्धिजीवी महिलाएं, खास करके शरण और अनुपमा आ रहे हैं जो बल्कि महिला दिवस के विशेष गेस्ट होंगे। दूसरा, 20 तारीख को गुरु गोविंद सिंह जी का जो प्रकाश पर्व है वो पूरे देश में एक संकल्प दिवस के रूप में हमने कॉल दिया है, पहले भी आपके जरिए से बताया है, 11 से लेके 1 बजे तक पूरे देश में स्कूल, यूनिवर्सिटी, गुरुद्वारा, मंदिर, घर, मोहल्ला, मंडी, सब जगह जो लोग होंगे वो 11 बजे से लेके 1 बजे तक देह शिवा और मोहे का जो शब्द है वो गायन करते हुए या उसको बजाते हुए उस शब्द को वो पढ़ लेंगे, शब्द लेंगे इस संघर्ष को कामयाब करने के लिए। ये दो प्रोग्राम जो हैं ये इमीडिएटली हमारे आ रहे हैं, इसके साथ जो जरूरी है जो मीडिया के सामने हम रखना चाहते हैं जरूरी कि दो प्रोग्राम जो हमने ऑलरेडी दिए हैं परमानेंट है, उसको बार बार याद कराइए अपनी मीडिया के जरिए, वो एक है NDA और उसके पार्टनर्स को एक्सपोज करना पूरे देश में क्योंकि उन्होंने ये कानून बनाए हैं, दूसरा है अडानी अंबानी विशेषकर और पूरा कारपोरेट जगत जो है उसके
प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का पूरे देश और दुनिया में बायकॉट करना। और एक पॉइंट जो मैं फैसला हुआ था हमारे साथियों से छूट गया है, वो ये है कि 26 जनवरी का जो प्रोग्राम है ये पूरे देश में ट्रैक्टर परेड है, और साथ ही 24, 25, 26 तीन दिन के लिए हमने इंटरनेशनल कॉल दिया है कि बाहर के देशों में भी जो लोग मनाना चाहते हैं गणतंत्र दिवस, क्योंकि वो अपने कहां दिन पहले चढ़ता है कहीं बाद में छिपता है, तो उस डेट के मुताबिक पूरी संसार में दुनिया में बाहर जो बैठे लोग हैं वो भी अपना गणतंत्र दिवस मनाए, ये हम पहले आपको बताना भूल गए थे। कोई सवाल? हाँ जी, हाँ जी, सही स्टेक। हाँ हाँ सॉरी, 26 तारीख का जो प्रोग्राम है इससे पहले ही हम कल या परसों जो हमारा बैठक होगा उसके 26 के बाद के प्रोग्राम का जो एक पूरा पैकेज है, जो वो प्रोग्राम है 26 के बाद का पैकेज हम आपको आने वाले दिनों में अनाउंस करेंगे। 26 बिल्कुल सही सवाल है, आने वाले कुछ दिनों में बहुत डिटेल में आपको बताएंगे। आउटर रिंग रोड के बारे में वैसे ऑफिशियल एस्टिमेट है 47 किलोमीटर की है, जी वो अलग अलग एस्टिमेट है। चलो बात हो जाएगी इस पे कैलकुलेशन हुआ है कितने ट्रैक्टर कितने उसके अंदर बनते चलेंगे, पर थोड़ा सा और डिटेल प्लानिंग करके, क्योंकि इसके बारे में बहुत लोगों को क्यूरियोसिटी थी भी आप क्या करोगे कहाँ जाओगे, वो था राजपथ पे पहुंच रहे हो, ये सब बात है, इसलिए हमने आज इसको अनाउंस कर दिया। आने वाले कुछ दिनों में सारी डिटेल, सारे सवाल आपके वाजिब है, सब चीजों को डिटेल करके पब्लिक करेंगे, कोई सीक्रेट तो अपने को काम करना नहीं है। आने वाले कुछ दिनों में आज चनोनी साहब ने ਪ੍ਰੀਟੀ ਕਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਡਿਨਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਖਾਸ ਮੈਂਬਰ ਆ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰੇ, ਕੀ ਉਹਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੇਗੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੀਟੀ? ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਹੂੰ, ਆਪ ਥੋੜਾ ਸਾ ਹੀ ਹਾਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਫੋਰਨ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਨਕੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਰਹੇਗੀ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਇਹ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ ਇਹ ਉਨਕਾ ਆਪਣਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਨਿਰਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, संयुक्त मोर्चे का ये निर्णय नहीं है, इस पर अगली बैठक होगी उसमें चर्चा होगी। अनुशासनिक कार्रवाई हो सकती है बार बार, क्योंकि पंजाब तो पोलिटिकल लोग आए उन्होंने मंच देने को सदा पहले दिन दिता गया, पोलिटिकल कोई भी ना झंडा ना किसान आंदोलन में आप इसको सियासी एंट्री के तौर पर तो नहीं ना देख रहे? नहीं नहीं नहीं, हमारा संयुक्त किसान मोर्चा के तमाम संगठन एकजुट है, एक राय है। अब इतने बड़े परिवार में किसी की कोई राय व्यक्तिगत हो सकती है तो उस पर संगठन संयुक्त मोर्चा विचार करेगा। 22 और 23 को उन्होंने एक किसान संसद के तौर पे भी प्रेजेंट किया है जिसमें पॉलिटिकल पार्टियां पार्टिसिपेट करेगी और चुनौती भी उसमें पार्टिसिपेट करेगी। हमारा वो कोई हिस्सा नहीं है, हमारा कोई कार्यक्रम नहीं है, मैं बार बार वही कह रहा हूँ कि वो उनका व्यक्तिगत कोई कार्यक्रम। आपकी तरफ से सर उससे कोई जवाब मांगा जाएगा, क्योंकि लगातार आप बोल रहे हो कि हमारा पॉलिटिकल पार्टी से कोई लिंक नहीं है, एक व्यक्ति आपकी मीटिंग में भी आ रहा है उसके बाद वो पॉलिटिकल पार्टियों के साथ भी मीटिंग कर रहा है, तो ये कैसे हो सकता है? या तो बंदा आपके साथ होगा या पॉलिटिकल पार्टी के साथ होगा। देखिए ये मैंने कहा ना कि ये सूचना हमको 2-3 दिन से मिल रही है। नहीं आज तो सर हो चुका है सूचना, नहीं सूचना आज हो चुका है, हमको पता है ये चीज, पर मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूँ कि हम बैठेंगे बैठ के बैठ के उस पर निर्णय करेंगे। दीजिए मुझे वो भी कुछ डिस्कशन, इसमें आपको एक बात बता लूं कि ये जो संसद हो रहा है इसमें प्रशांत भूषण जी और बहुत सारे बुद्धिजीवी जज रिटायर्ड और कुछ मिलिट्री के रिटायर्ड लोग हैं, इसमें ये जो उन्होंने बताया है ये उनका एकदम निजी फैसला, लेकिन गुरनाम सिंह जी उसकी कोई ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में नहीं है, उसमें ऑर्गेनाइजिंग कमेटी नहीं है। आज एक मीटिंग उन्होंने बुलाया, ये उनका अपना एक फैसला है, उसके बारे में उनसे बात करेंगे। पर आई थी मीटिंग दे प्रधान की तो उन्होंने की थी, अध्यक्षता उन्होंने की है आज वहां पर, अध्यक्षता कॉल भी उनकी तरफ से हिंदी बोलेंगे सर, जो कॉल आई थी वो भी उनकी तरफ से थी और आज की मीटिंग के जो अध्यक्ष थे वो भी गुरनाम सिंह चडूली थे। पूछेंगे देखिए, मैंने बार बार आपसे निवेदन किया है
हम भी उनसे पूछेंगे, चर्चा करेंगे, कोई फैसले लिए जाते हैं, तत्काल फैसले नहीं होते। फैसले की बात कोई आज की दिन में कोई हम बताया कि हमारा उससे संयुक्त किसान मोर्चा से वो संसद का कोई दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। आपकी मीटिंग में कोई कमेटी बनी है कि जो जवाब तलब करेगी कि क्या हुआ है, क्यों हुआ ऐसा? नहीं, अभी बनेगी, उसकी भी हम चर्चा करेंगे, जो मैं बार बार कह रहा हूँ। आगे आपकी जो संयुक्त मोर्चा है उसके मेंबर रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये हमारी कमेटी तय करेगी। कमेटी बनी है या नहीं यही पूछ रहे हैं सर। संयुक्त हमारी कमेटी ऑलरेडी 7 मेंबरी कमेटी है। ऐसे लोगों से आप सहमत हो जो पैरेलल काम कर रहे हैं, ऐसे पॉलिटिकल कर रहे हैं? मैंने कहा कि सहमति असहमति का विषय अलग है, ये उनकी व्यक्तिगत राय है, ये संयुक्त मोर्चा की राय नहीं है। सर नरेंद्र सिंह तोमर का जो फिर बयान आया, वो कह रहे हैं कि कानून रद्द करने तो बिना कोई और मांग आता, दसो कोई और मांग दसोगे 19 तारीख को या वही मांग दसोगे? उन्होंने देखिए जो हमारा स्टैंड शुरू से है कि 3 कड़े कानून रद्द किए जाए और एमएसपी पर गारंटी का कानून बनाया जाए, ये शुरू से है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अरे वो कहते रहे, उनका विषय है, उससे हमारा कौन सा लेना देना है। सर काफी गांव से वीडियो आ रही है कि वो ट्रैक्टर पे कुछ स्टंट कर रहे हैं, या लोग उस ट्रैक्टर के स्टंट किए जा रहे हैं, क्या आपकी परेड में वो स्टंट भी शामिल होंगे या ट्रैक्टर भी जारी रहेगा? नहीं, वो कोई स्टंट शामिल नहीं होंगे, सजाएंगे ट्रैक्टरों को, लाइट लगाएंगे, ध्वज को सलाम करेंगे, और राष्ट्रीय ध्वज है, पर बहुत बड़ा त्योहार है, उसको बड़े प्यार के साथ किसान मनाएगा। नहीं होंगे जैसे परेड में होता है कि जो आर्मी के जवान होते हैं, कुछ स्टंट दिखाते नहीं, ऐसा कोई नहीं। आप वही किसान है जो ट्रैक्टर तैयार कर रहे हैं 26 के लिए, कोई इंजन को बड़ा कर रहे हैं, कोई कुछ अपना ट्रक का इंजन डाल रहे हैं, ऐसे कोशिश कर रहे हैं, वो किसान ही है ना, आएंगे तो वही ट्रैक्टर आप उन तक अप्रोच कर रहे हो कमेटी के द्वारा? जी आप उन तक कोई अप्रोच कर रहे हैं? उनको कहा गया है, देखिए आज जो चर्चा हुई है सबसे ज्यादा उसी पर हुई है कि ट्रैक्टर शांतिपूर्ण हो, कोई स्टैंड ना हो, और तमाम कोई गठबंधन खड़ी कर देगा बीच में आके, तो उसकी क्या सावधानी है? वॉलंटियर की बहुत बड़ी फौज तैयार करना है, वॉलंटियर्स को खड़ा करना है जहां तहां पर, तो वो स्थिति है। देखिए आपने जो सवाल पूछे उसके दो हिस्से हैं, एक हिस्सा तो ये है कि क्या उस तरह के स्टंट्स होंगे, स्टंट अच्छी सेंस में है, कोई बुरी सेंस में नहीं है, क्योंकि वो अपना वो कर रहे हैं, नहीं मैं कह रहा हूं उसमें कोई एतराज, स्टंट में वैसे एतराज की कोई बात नहीं होती, किस किस तरह का होगा। आने वाले दिन में हमें मौका दीजिए, हर दिन आपको कोई ना कोई नई खबर हम देते रहेंगे कि इस हमारी परेड के अंदर क्या कुछ होगा। जिसमें कोई समझौते की गुंजाइश नहीं है वो ये है, ये किसी हमले की तैयारी नहीं, और इसलिए आपके माध्यम से जो हमारे किसान साथी कुछ ऐसे ज्यादा उत्साह के अंदर आके ये सोच रहे हैं कि भाई ट्रैक्टर लेके अब तो बिल्कुल ट्रैक्टर का टैंकी बना देना है, उन सब से हाथ जोड़ के निवेदन है, आप अपने देश की राजधानी में आ रहे हो, ये कोई बगावत नहीं है, ये कोई जंग नहीं है, जंग है तो मोहब्बत की जंग है, इसमें ट्रैक्टर को टैंक बनाने की जरूरत नहीं है, ये हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं। ट्रैक्टर सर जो आंदोलन में खड़े हैं वही यूज किए जाएंगे, जब बाहर से ट्रैक्टर होंगे उनको अंदर जाने की आज्ञा? देखिए हमने बिल्कुल ओपन कॉल दिया है, जो है वो तो ज्वाइन करेंगे ही करेंगे, उसके अलावा हजारों लाखों लोग बाहर से आ रहे हैं इस टाइम, सबको न्योता है, सब जाएंगे, और आप देखिए उसको एक शानदार तरीके से हम करेंगे। सर परमिशन मांग रहे हो, तुम परमिशन मांग रहे हो आज्ञा? हमने तो अनाउंस कर दिया, हमने पूरे देश को बता दिया, आप पुलिस वगैरह बात करना चाहे तो आ जाए, आमतौर पर आंदोलन के लिए परमिशन नहीं मांगा जाता, सूचना दी जाती है, सूचना हम आपके माध्यम से दे रहे हैं। इनके साथ ही मेरा सवाल जुड़ा हुआ है, ये है कि आप कह रहे हो जिम्मेदारी पुलिस की होगी, प्रशासन की होगी, प्रशासन कह रहा है जिम्मेदारी किसानों की, किसान परेड मार्च करने जा रही है, जिम्मेदारी किसकी फिक्स करती है? देखिए मैं आपको बताया कि हमने ये सूचना दे दी है आपके माध्यम से, पुलिस को, देश को, किसानों को, सबको सूचना दे दी है कि 26 जनवरी को किसान गणतंत्र परेड होगी, किस रास्ते से होगी वो भी बता दिया है, और आज की तारीख में मैं मान के नहीं चलता कि वो रोकेंगे, मैं समझता हूँ ये लोकतंत्र है, गणतंत्र के दिन कोई तिरंगा लेके इस देश की आन शान बान में कुछ आगे बढ़ना चाहे
उसको पुलिस रोकेगी, मेरा मन नहीं मानता ऐसा काम करे। सर एक बात है, एक चीज आप बोल रहे हो कि कल सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आएगा उसके बाद हम एक शॉर्ट फिल्म बना के जल्दी फैसला लेंगे, दूसरी तरफ आप बोल रहे हो कि सुप्रीम कोर्ट चाहे हमको मना कर दे हम तो निकालेंगे निकालेंगे, दोनों चीजों में फर्क क्या नजर आ रहा है? मैं समझता हूँ कि इसके बारे में जब आप डिसीजन इस चीज का ले चुके हैं, सभी जनवरी को परेड निकालिए तो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन आने ना आने से क्या फर्क पड़ रहा है आपको? पता तो चला जाएगा ना सुप्रीम कोर्ट में कोई भी कार्यवाही होती है उसको हम हर मीटिंग हर सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग से पहले और हियरिंग के बाद रिव्यू तो करते हैं, मीटिंग से पहले प्रिपेयर करते हैं, मीटिंग के बाद रिव्यू करते हैं, इस बार भी करेंगे। लेकिन हमारा संकल्प हमारी सोच हमने आपके सामने रख दी है और ये 2 तारीख से रखी हुई है, 2 जनवरी को हमने रखती थी, वही की वही सोच हमारी लगातार जारी है। और मैं तो अभी मान के नहीं चल रहा कि सुप्रीम कोर्ट हमें रोक रहा है, क्यों रोकेगा भाई? 26 जनवरी को किसान इस देश के गणतंत्र की आन शान बांध में तिरंगा लेके चलना चाहते हैं, क्यों सुप्रीम कोर्ट रोकेगा, क्यों कोई पुलिस रोकेगी, क्यों प्रशासन रोकेगा? मैं मान के चलता हूं उन्हें भी इस देश से उतना ही प्यार है जितना हमें भी। मैं कह रहा हूं कि पहले भी किसानों की तो मांग थी कि बिलों को रद्द किया जाए पर सुप्रीम कोर्ट ने उन पे रोक लगा दिया है, तो वो जब पहले फैसले ऐसे आ रहे हैं तो आगे आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि आपके पक्ष में फैसले होंगे? सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा वो अभी बैठ के मैं क्यों एंटीसिपेट करूं? सुप्रीम कोर्ट है वो कल आएंगे कल बताएंगे, यहाँ बैठ के मैं एंटीसिपेट करूं फिर कहूं कि नहीं मैं ये करूंगा, ऐसे आने दीजिए ना। सुप्रीम कोर्ट जो कहेगा तब हम विचार करेंगे, खत्म बात। बोलिए। ओके, सबसे ज्यादा संवैधानिक हकों का इस वक्त हनन सरकार कर रही है, इसके लिए संयुक्त किसान मोर्चा क्या रणनीति क्या कर रही है? क्योंकि हर मुद्दे पर संवैधानिक अधिकारों का हनन कर रही है, इसके बारे में आप क्या? देखिए, इस पूरे आंदोलन में मैंने बार बार कहा है गांधी जी आज भी प्रासंगिक है, गांधीवाद की छवि है। अंग्रेज अत्याचार करते थे, लाठीचार्ज करते थे, जेल में भेजते थे, वार्ता भी गांधी जी तब भी करते थे और अंग्रेजों को प्यार भी करते थे। तो ये हम अत्याचार सहन कर रहे हैं, अपने को कष्ट दे रहे हैं, ये हमारी तप तपस्या और साधना है जो हम कर रहे हैं। तो हम गांधीवाद के रास्ते पर हैं, वो जिस रास्ते पर हैं उसका वो वैल्यूएशन करेंगे। पर हमने बार बार ये कहा है कि हमला चाहे जैसा हो हाथ हमारा नहीं उठेगा, वो जो कर रहे हैं उसका परिणाम उनको आगे जनता इस देश की देगी। सर आप परेड की डिटेल इसलिए नहीं ऐलान रहे कि तो वो आप ले लेंगे, आप परेड की डिटेल इसलिए नहीं ऐलान रहे कि जेकर सुप्रीम कोर्ट आपको कोई और रास्ता देगा तो वो आप ले लेंगे? देखिए नहीं, हमने एक बार सुनिए बता रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा ये भविष्य के गर्त में छुपा सवाल है। सुप्रीम कोर्ट जो कहेगा हमारी फिर कमेटी की बैठक होगी, हम जो भी तय करते हैं कोई भी रिएक्शन के बाद कमेटी जो तय करेगी पूरी ताकत से उसको तय करते हैं। एक अखबार में छपा था कि नरेंद्र सिंह तोमर कहते हैं कि किसान जिद कर रहे हैं, सरकार की कोई मजबूरियां भी होती है, क्या मजबूरी? क्या लगता है कि आप जिद कर रहे हैं? देखिए सरकार जिद कर रही है ये बात, और हम पर वो आरोप लगा रहे हैं कि हम जिद कर रहे हैं, हमने तो जिद नहीं की, हमारी 12 मांगे थी, C2+50 ऋण मुक्ति बिजली देर सारी मांगे थी, हम 10 कदम आगे आए हैं और केवल 2 मांग हमारी है उस पर हमने बात की है। तो जिद सरकार कर रही है, सरकार संवेदनहीन है, 120 किसान शहीद हो चुके हैं इस देश के, सरकार को चूड़ी रेंग रही है। आज हमारा 53-54 दिन है, बारिश भी हम सहन कर रहे हैं, 2 डिग्री ठंड में पड़े हुए हैं। तो जिद सरकार कर रही है, अन्नदाता के बारे में ये संजीदा से चिंता करना चाहिए। आज पूरी पार्टी ने हमारे एक भी शहीद पर श्रद्धांजलि देने की आवश्यकता महसूस नहीं की। सारे कक्का जी एक सवाल और है, जो एक बात जोड़ दो भाई, सरकार की मजबूरियों वाली बात बिल्कुल ठीक है, मैं बिल्कुल सहमत हूँ मंत्री जी से, सरकार की मजबूरियां होती है और जिस दिन इलेक्टोरल बॉन्ड का आंकड़ा खुल गया ना किसी तरह से कि इलेक्टोरल बॉन्ड बॉम्बे में कौन खरीद खरीद के बिहार के इलेक्शन के लिए भेजता है,
उस दिन सरकार की सारी मजबूरियां समझ आ जाए। यादव जी एक सवाल है लास्ट वाली समझ लो, कि जो किसान शहीद हुए हो रहे हैं जहाँ पर किसी की मृत्यु हो रही है, एक्सीडेंट मारा गया, हार्ट अटैक हो गया, किसान संयुक्त मोर्चा की मदद कर रहे हैं वित्तीय, क्योंकि बहुत सारे किसान थे वो वित्तीय हालत ठीक नहीं थी प्रभावित। मेरे ख्याल में दर्शन पाल जी जवाब साथी दें इसका, बिल्कुल कर रहे हैं भाई, एकदम कोई इसका सवाल नहीं। जो शहीद हुए हैं उनके परिवारों के लिए देखिए, ये हमारा फैसला पहले से हो चुका है और कल बैठक हुई है, उस बैठक में हमारी पंजाब के जो संगठनों की बैठक हुई उसमें ये तय हो चुका है कि जितने किसान शहीद हो चुके हैं सभी परिवारों को एक दो दिन में एक एक लाख रुपया वहाँ पे उनके परिवारों में बच्चों की पढ़ाई के लिए उनके खर्च के लिए वहाँ उनके घर पर मतलब यही इसी मोर्चे से भेज दिया जाएगा। ये भी मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए हमारे पास यहाँ जो आंदोलन चल रहा है सभी लोगों का जो इसमें सहयोग है, सहयोग राशि जो सभी लोग दे रहे हैं ये वही राशि उनके पास पहुँचाने का हमारा प्रयास है। ठीक बात। और एंड पे आंदोलन बहुत लंबा चलेगा, जो और भी होगा, जो परमात्मा ऊपर वाला दया करे और कोई ऐसी कैजुअलिटी ना हो, सभी जीवित रहे, किसी का नुकसान ना हो। और हमारा एक और प्रयास और भी है कि यहाँ पे एक हॉस्पिटल खुला है 8 बिस्तरों का, 8 बेड का हॉस्पिटल खोल रखा है, वो आप जैसे लड़कों की ओर से खोल रखा है, उसकी भी सहयोग देने की हमारा प्रयास है। सभी जो करीब के हॉस्पिटल हैं उनमें भी हमारा ये प्रयास है कि कोई किसी की मृत्यु हो ही ना, पहले से वहां पे व्यवस्था की जाए। ये पूरी सारी कहानी को ध्यान में रखते हुए ये एक एक लाख एक बार देने का हमने ये ऐलान किया है, प्रोग्राम किया है। और जितनी भी राशि, मैं ये क्लियर कर देता हूँ आपको, जितनी भी राशि है वो हमारे शहीदों के लिए ही खर्च होगी और कहीं पे किसी को कोई उसको खर्च करने की अनुमति नहीं देंगे हम। सर कोई रिकॉर्ड भी रख रहे हो कि कोई पब्लिक करोगे? होगा पब्लिक डोमेन। ओके एंड पे जितना भी हिसाब किताब बिल्कुल व्हाइट पेपर जारी करेंगे कि इतना पैसा लोगों ने दिया, इतना यहाँ खर्च हुआ, इतना यहाँ खर्च हुआ, एक एक पैसे का हिसाब लोगों के सामने रखा जाएगा, ये मतलब निश्चिंत रहे। और आपका अच्छा सवाल है, इस पे सवाल होना भी चाहिए था। पूरी जथेबंदी रखेंगे, जो खर्च रखा जाएगा वो जेड़ा पैसा इकट्ठा हो रहा, जो मंच इकट्ठा हो रहा हिसाब किताब रखा जाएगा, जथेबंदियों इंडिविजुअली तौर पर। देखिए यहाँ पे जो स्टेज पे पैसा आ रहा है, हमारी जो जथेबंदियों ने गांव-गांव में से वो इस आंदोलन पे आने के लिए ट्रैक्टर वगैरह उस पे हम खर्चा करने लगेंगे ना, जो वहां से ट्रैक्टरों पे आए हैं, वो आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, उन पे अगर हम उसका हिसाब देने लगेंगे ना तो ये जितने पैसे आ रहे हैं ये कम पड़ जाएंगे, वो पूरा नहीं हो पाएगा। इसके लिए वो जो पैसा इकट्ठा किया है वो गांव-गांव से लोगों ने अपने अपने गांव से इकट्ठा किया हुआ है, वो वही का वही है। जो पैसा यहाँ स्टेज की सहायता के लिए आ रहा है वो सभी मतलब शहीदों के परिवारों के लिए और उनके लिए। लास्ट सवाल है, सुरजीत जारी का एक बयान आया, वो कहते हैं कि जो NIA के नोटिस भेजे जा रहे हैं उन्होंने किसान आंदोलन।